नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो कि अभी करंटली चल रहा है, दिसंबर एंड होने को है और जनवरी फरवरी मार्च ख़त्म होने के बाद यह फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या फिर मैं कहूँ असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सबसे पहले जिन भी व्यक्तियों की ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर अगर वो सीनियर सिटीज़न है और उनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम वो 3,00,000 रुपये से ज़्यादा है और अगर वो वेरी सीनियर सिटीज़न है तो ऐसे में अगर उनकी ग्रॉस टोटल इनकम 5,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर मैं बात करूं ग्रॉस टोटल इनकम की GTI, तो बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो 80C से लेकर 80U सेक्शन के तहत जो भी डिडक्शंस आपको अलाउ की जाती है रिगार्डिंग LIC, मेडिक्लेम, रेंट, कोई भी डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो ये सभी डिडक्शन लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये, 3,00,000 रुपये या फिर 5,00,000 रुपये, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होती है, अगर वो आपके केस में ग्रॉस टोटल इनकम उस लिमिट से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। भले ही आपकी इनकम जो डिडक्शन लेने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम इस लिमिट से कम हो जाती है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम चेक करनी है, ना कि टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो कि डिडक्शन लेने से पहले होती है, अगर वो आपकी लिमिट से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी एज 80 ईयर या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए लिमिट 5,00,000 रुपये है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है तो आपके लिए यह लिमिट 3,00,000 रुपये है और बाकी सभी के केसेस में यह लिमिट 2,50,000 रुपये है। नंबर 2, अगर आप एक कंपनी है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे में भले ही आपकी कोई इनकम है या फिर लॉस है, सभी केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आपके लिए कोई भी लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। तो ध्यान रखें, अगर आप एक कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको सभी केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इवन इन केस ऑफ लॉस। नंबर 3, अगर आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सिर्फ 2,00,000 रुपये है, तो ऐसे में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रॉस टोटल इनकम जिसकी भी 2,50,000 रुपये से ज़्यादा होगी उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 2,00,000 रुपये है जो कि लिमिट से कम है, तो ऐसे में मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर मेरा कोई टैक्स डिडक्ट किया गया है और मैं वह इनकम टैक्स रिफंड के जरिए क्लेम करना चाहता हूँ तो ऐसे में मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नंबर 4, अगर आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मान लीजिए आप बिजनेस या प्रोफेशन से कोई लॉस कर बैठते हैं, लेट से 3,00,000 रुपए का, और ऐसे में
इस लॉस का बेनिफिट आप अगले आने वाले सालों में लेना चाहते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। नंबर 5, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इफ यू आर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड हैव एन एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी कोई एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर कोई फाइनेंशियली इंटरेस्ट किसी एंटिटी में, किसी फर्म में आपका कोई फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, तो भी ऐसे में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही आपकी इंडिया में कोई भी इनकम ना हो, लेकिन आउटसाइड इंडिया आपकी कोई एसेट है या फिर किसी बिजनेस में, किसी फर्म में, किसी एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यह जो क्लोज है, यह एप्लीकेबल नहीं होता है एनआरआईज के केस में और आरएनओआरएस के केस में। एनआरआईज के केस में और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के केस में यह एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ रेजिडेंट और वो भी इंडिविजुअल। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी कोई एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर किसी फर्म में, किसी एंटिटी में आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। नंबर 6, इफ यू आर ए रेजिडेंट एंड ए साइनिंग अथॉरिटी इन ए फॉरेन अकाउंट। तो आप एक रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट इन इंडिया हैं, और किसी फॉरेन अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी है, आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, तो भी ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यह केस भी एनआरआईज और आरएनओआरएस के केस में एप्लीकेबल नहीं है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स एनआरआईज और आरएनओआरएस के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, अगर वो एक रेजिडेंट है और एक साइनिंग अथॉरिटी है किसी फॉरेन अकाउंट में। उसके बाद, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न व्हेन यू आर इन रिसीप्ट ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज और ए पोलिटिकल पार्टी और ए रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियन, ए नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ए हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनी अथॉरिटी बॉडी और ट्रस्ट। तो इन सभी केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो अगर आप कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हैं जो कि किसी प्रॉपर्टी से अर्न की जा रही है, जो कि एक ट्रस्ट में हेल्ड की गई है फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक रिसर्च एसोसिएशन है, न्यूज एजेंसी है, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेड यूनियन है, ए नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है, और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, कोई भी अथॉरिटी बॉडी और ट्रस्ट है, तो ऐसे में इन सब का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। नंबर 8, इफ यू आर ए फॉरेन कंपनी टेकिंग ट्रीटी बेनिफिट ऑन ए ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो अगर आप कोई फॉरेन कंपनी है और आप कोई ट्रीटी बेनिफिट ले रहे हैं फॉर ए ट्रांजेक्शन इन इंडिया, इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन की जा रही है इस फॉरेन कंपनी के द्वारा, और जो ट्रीटी बेनिफिट्स, बेसिकली जो इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, उसका आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऐसे में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। नंबर 9, ए प्रूफ ऑफ रिटर्न फाइलिंग मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर ए लोन और ए वीज़ा। तो जैसा कि आजकल आप सब जानते हैं कि होम लोन, कार लोन एटसेट्रा सभी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आपकी रिक्वायर्ड 3 ईयर्स ITR आपसे मांगी जाती है, तो भी ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए अगर आप किसी लोन के लिए सोच रहे हैं या फिर आपको कोई वीज़ा अप्लाई करना है बाहर जाने के लिए। उसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनको नोटिफाई किया गया है फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फॉलोइंग additional categories of people are also required to file income tax return if the threshold is crossed in financial year 1920 even if they have nil income or income of less than 2.5 lakh 3 lakh 5 lakh as the case may be। तो यहाँ पर कहा गया कि इन व्यक्तियों की अगर कोई इनकम नहीं भी है या फिर जो लिमिट है उससे कम भी है, तो भी इनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वो लोग कौन से हैं? नंबर 1, who have deposited more than 1 crore in one or more of their bank account।
तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम नहीं है या फिर इनकम 2,50,000 रुपये से भी कम है लेकिन उसने अपने बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कराए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 2, पर्सन हु हैव बोट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ओवर ₹2,00,000। तो अगर कोई फॉरेन करेंसी खरीदी जा रही है 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो ऐसे में उस व्यक्ति का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। नंबर 3, पर्सन हु हैज़ पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मोर देन ₹1,00,000। तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है और उसका कहना है कि उसकी कोई भी इनकम नहीं है या उसकी इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, तो भी उसका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इन तीनों केसेस में यहाँ पर इनकम अगर निल भी है, कोई इनकम नहीं है, तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ITR फाइल करना कंपल्सरी है। तो आई होप आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।